वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। बैंकों के निजीकरण के विरोध में पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी इस महीने 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा संसद में बैंकों के निजीकरण के बारे में पेश होने वाले बिल का विरोध करने के लिए बैंक कर्मी यह हड़ताल कर रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो रहे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है, यानी 16 और 17 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे। क्या कहा यूनियन ने? एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन, आसान भाषा में कहे तो AIBOC के महासचिव संजय दास ने कहा है कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को नुकसान होगा और इससे स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर्ज प्रवाह पर भी असर पड़ेगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CET वेंकट चलम ने इस पर कहा है कि पिछले 25 साल से UFBU के बैनर तले हम बैंकिंग क्षेत्र में ऐसे सुधारों का विरोध कर रहे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राकेश टिकैत ने भी किया ट्वीट। इस बारे में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वे तो पहले से ही लोगों को सचेत कर रहे थे कि अगला निशाना बैंक हो सकते हैं। राकेश टिकैत ने अपने ट्वीट में लिखा, हमने आंदोलन की शुरुआत में आगाह किया था कि अगला नंबर बैंकों का होगा। नतीजा देखिए, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत है। आपको बताते चले कि UFBU के सदस्यों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी AIBEA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन AIBOC, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज NCBE, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन AIBOA और बैंक एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया BEFI शामिल हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।